हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, केजीएमसी यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में इसकी गिनती होती है। उत्तर प्रदेश की टॉप वन मेडिकल कॉलेज होने के कारण उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट तो मौलाना आज़ाद के बाद सेकंड नंबर पर इसी को चूज करते ही हैं। साथ ही राजस्थान, बिहार, एमपी, हरियाणा स्टेट और उत्तर प्रदेश के बाकी नज़दीकी स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन लेना अपना सौभाग्य समझते हैं। यह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएटेड है। इसमें एमबीबीएस की 250 सीट्स हैं और बीडीएस की इसमें 70 सीट्स हैं, जिसमें 51 सीट स्टेट कोटा की और 19 सीट ऑल इंडिया कोटा की हैं। तो आइए देखते हैं इस कॉलेज का एमबीबीएस के लिए सीट मैट्रिक्स। तो इसमें टोटल 250 सीट्स हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा की 37 सीट्स हैं, जिसमें जनरल की 27, जनरल पीएच की 1, एससी की 5, एससी पीएच की 1, एसटी की 3। स्टेट कोटा की इसमें 210 सीट्स हैं और अदर कोटा की 3 सीट्स हैं। इसमें आप इसमें एडमिशन कैसे लें? तो इसमें एडमिशन लेने के लिए दो प्रकार का कोटा होता है, 15% कोटा और 85% कोटा। तो अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कोटा में इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तो नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद आपको एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल करके काउंसलिंग करवानी होगी। इसकी फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा करवा कर इसमें एडमिशन दिया जाता है। सेकेंड राउंड के बाद वैकेंट सीट उत्तर प्रदेश स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर इसके बाद आप उत्तर प्रदेश स्टेट के रहने वाले हैं तो 85% स्टेट कोटा की 210 सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। इसमें यूपी स्टेट के अलावा अदर स्टेट कैंडिडेट इलिजिबल नहीं हैं। स्टेट कोटा के लिए upneet.gov.in पर नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। तीनों राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मोपअप राउंड के बाद वैकेंट सीट को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में केजीएमयू द्वारा ये सीट फिल करके ये सीटें भरी जाती हैं। इसमें अब हम इसकी ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ देखते हैं 2019 की। तो इसमें जनरल कैटेगरी की 651 मार्क्स पर क्लोज रही थी कट ऑफ, एससी कैटेगरी की 565 मार्क्स पर। इसमें ओबीसी कोटा नहीं होता है ऑल इंडिया कोटा में। एसटी कैटेगरी की 567 मार्क्स, जनरल पीएच की 553 मार्क्स और एससी पीडब्ल्यूडी यानी कि एससी पीएच की 297 मार्क्स ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ रही थी। एक बार स्टेट कोटा 85% की बात करें तो इसमें जनरल की 637, ओबीसी की 629, एससी की 528 और एसटी की 362 कट ऑफ रही थी 2019 में। आपको पता है 2019 में काफ़ी हाई कट ऑफ रही थी, लेकिन 2020 में इतनी ज़्यादा कट ऑफ रहने की संभावना नहीं है। अगर हम देखें क्या रह सकती है 2020 में कट ऑफ, तो ऑल इंडिया कोटा की बात करें जनरल कैटेगरी की तो 625 कट ऑफ रह सकती है। ऑल इंडिया कैटेगरी में ओबीसी कोटा होता नहीं है। एससी कोटा की 560 कट ऑफ रह सकती है, एसटी की 555 कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद स्टेट कोटा की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 615, ओबीसी की 610, एससी की 520 और एसटी की 360 कट ऑफ रह सकती है नीट 2020 के लिए। अब इसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो इसकी 54,600 रुपये एनुअली यानी एक साल की फीस 54,600 रुपये है ट्यूशन फीस। इसके अलावा हॉस्टल फीस की बात करें तो इसमें 2400 रुपये पर मंथ हॉस्टल फीस है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, नई कॉलेज की जानकारी के साथ में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।